आपका बैग हो गया वहाँ इस तरह से चीज ज्यादा है मतलब जहाँ तक जहाँ तक मेरा हाथ जाता है तो वहाँ तक से पहले इस तरह से हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितंतर फिर से आप सभी के नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताने वाला दोस्तों, आप जो पीछे देख रहे हैं दोस्तों दीवार तो एक ही बात दोस्तों दीवार प्लास्टर कैसे किया जाता है और हाइट देख सकते हैं दोस्तों इसका हाइट लगभग 8 फुट 8.5 फुट का हाइट है। एक ही बार छाप के फंटी कैसे मारते हैं और फंटी में दोस्तों किस तरह से दीवार प्लास्टर किया जाता है शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को दोस्तों शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर दोस्तों फास्ट नया काम सीखना चाहते हैं तो अगर दोस्तों नहीं सीखना चाहते हैं काम तो दोस्तों वीडियो यहीं स्किप करके आप जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप सबसे वीडियो में बढ़िया से छाप लिया इस तरह से बराबर छाप लेना है पूरा देख सकते हैं। ऊपर भी दोस्तों बनाए हैं तो छिया लगा लिया है, पहले दिन बना लिया उसके बाद छिया नाप के दो जगह लगा लिया हूँ और छाप लिया हूँ बराबर। तो उसके बाद फंटी कभी मारना दोस्तों छिया जो है छिया से बचा के छिया ऊपर का करना चाहिए और इस तरह से फंटी बराबर बैठा के पहले ऊपर से इस तरह से मिला लेना छिया नीचे इस तरह से ऊपर वाला हाथ कभी भी मारना है ऊपर वाला छिया बना लिए उसके बाद देखिए ऊपर वाला हाथ जो है हल्का पकड़ के नीचे वाला हाथ से इस तरह से मंत्रा कर लेना है। और दोस्तों उसके बाद इस पे साउंड कर देना है मेरा साउंड है तो दोस्तों छिया जो छिया बराबर कर देता हूँ छाप के। अगर छिया बराबर रहेगा तो हंडी मारने दोस्तों आसान रहेगा। दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ इस वीडियो में हंडी मारने का। जैसे आप देख सकते हैं कितना बड़ा दीवार है और एक ही बार में फंटी मार देंगे तो वीडियो में बने रहिएगा। इधर भी उसी तरह से छिया बना लेता हूँ ज्यादा फंटी पे जोर भी नहीं लगाना, ज्यादा जोर लगा दे फंटी पे तो मतलब दोस्तों ज्यादा कट जाएगा। साउल करके पहले देख लेता है इधर भी दोस्तों कभी भी केरा है केरा ये हमेशा बराबर बढ़ना चाहिए इस पे और 80 से चालू करना है एकदम 0-0 लेके। आप देख सकते हैं इधर भी साहुल हो गया दोस्तों, एक ही बार में फंटी मेरा मारे हिसाब से एक ही बार में साहुल हो जाता है। तो बढ़िया आराम से फंटी मारिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा आपका भी हाथ बैठ जाएगा फंटी पे। तब भी मैं दोस्तों यही है कि फंटी मारना और फंटी मारने के लिए सीख ले जाए तो बिल्कुल आपका आसान हो जाएगा प्रैक्टिस करना। दोस्तों छिया इधर भी बना लिया इधर भी बना लिया। अब कभी भी फंडी मारिए तो पहले अब जैसा कि जहाँ तक मेरा हाथ जाता है तो वहाँ तक से पहले इस तरह फंडी मार के छिया को जगा लेना है। आपको हमेशा ध्यान दीजिएगा दोनों तरफ छिया है छिया करना नहीं चाहिए। दोस्तों इस पर लगभग ज्यादा आ रहा है इसीलिए एक बार फंडी में मतलब कि बराबर हो रहा है, इसको फिर दोबारा छाप लेंगे फिर दोबारा से फंडी मार के और उसके बाद दोस्तों इधर बच गया तो इधर इस तरह से मिला लीजिए वो और ऊपर भी इस तरह से मिला के देख लेना एक बार और उसके बाद इधर फंडी मार देना है और ऊपर बच गया दोस्तों। कभी भी मारी ऊपर इस तरह से फंडी मार दिया अपने इसमें मिला के पकड़ के मार लेना है एकदम बिल्कुल हल्का हाथ करके मारना है। अगर ज़्यादा दाबते हैं तो मसला ज़्यादा करेगा तो फंटी में होगा तो हार मारना नहीं है दोस्तों कभी भी फंटी मारने टाइम। इधर से फंटी मार लेना है पहले दोस्तों मेरा ज़्यादा लगा आ रहा है इसलिए वन फाइनल में होगा फंटी में। इधर सब एक बराबर से छाप
तो मैं फंडिंग मार के फाइनल कर दिया एक बार, फिर दोबारा दोस्तों अपन बराबर से फंडिंग मार लेंगे। कैसे दोस्तों, पहले बार जो है मौका नहीं छापे, इसलिए एक बार फिर से नहीं हो पाया, तो दोबारा छाप लेते हैं, भर लेते हैं इसको, बराबर से भर देना तो दोबारा में, उसके बाद फिर दोबारा फंडिंग मारना है। वीडियो में दोस्तों बने रहेगा, शुरू से लास्ट तक एक बार देख लेना वीडियो को। अगर दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है तो बढ़िया से देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे तरह से बताने वाला हूँ इसमें, आप देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा दीवार है, एक बार फंडिंग मार के फिनिश कर देंगे। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को पहली बार वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, दोस्तों इससे ही वीडियो आप सबको मिलते रहेंगे। दोस्तों मैं पूरा भर देता हूँ, उसके बाद फिर फंडी बड़ा फंडी मार के आप सबको दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं पूरा बराबर छाप लिया हूँ इस तरह से, फिर दोबारा भर के भर लिया हूँ, तो फिर दोबारा फंडी को पुनः सफाई कर लेता हूँ। आप जैसे देख सकते हैं मैं दोनों का छिया वैसे पड़ा है, मतलब छिया करना नहीं चाहिए दोस्तों, और उसे भी मिला कर फिर दोस्तों क्या करना है आपको, इस तरह से फंडी को फंडी मारना है। पहली बार दोस्तों फंडी मारने में थोड़ा दिक्कत होगा, और दोबारा भर के फंडी मारते हैं तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, उस दिन फंडी का आपको घुमा देना है, इसमें दिक्कत नहीं होगा दोबारा फंडी मारने में। चलिए इस तरह से मैं दोबारा फंडी मार देता हूँ, इस तरह से मार लेना है फंडी को नीचे से भी और ऊपर से भी, इस तरह से पकड़ के इस तरह से छिया बना लेना पहले एक जगह, छिया बना के उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको, खराब फंडी इस तरह से पकड़ के इस तरह से दोनों तरफ छेद बनाए ऊपर नहीं तो इस तरह से मिला के मार लेना फंडी को। ऊपर भी इस तरह से फंडी को करके आपको ज़्यादा दूरी में फंडी नहीं पकड़ना, आपको बीजों फंडी पकड़ना है और फंडी को बढ़िया से बैलेंस बनाना है, इस तरह से फंडी मार लेना है। आप देख रहे हैं दोस्तों कितना हाइट है, ऊपर तक मेरा हाथ भी नहीं पहुंचा, फिर भी फंडी मार लेता हूँ। तो दोस्तों फंडी मार दिया, उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, ऊपर कोई ड्रम व्रम लगा के रोसा मार देंगे। तो चलिए दोस्तों रोसा कैसे मारते हो आप सबको दिखाता हूँ। अभी भी दोस्तों मसाला इस तरह से उठाना है, और आपने देख सकते दोस्तों ज्यादा खर्चा नहीं है तो बराबर है, तो इस तरह से छीट के मसाला मार लेना, और इस तरह से जहाँ जहाँ गड्ढा है इस तरह छीट गया लेना, और यहाँ से बराबर है, यहाँ से धीरे धीरे इस तरह से हाथ घुमाना है, इस तरह से आराम से दोस्तों बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से, और दूसरे धागा निकल गया तो इसको निकाल लेता हूँ इस तरह से। दोस्तों मसाला फिर से मार के ढाका ढाक दिया वहाँ, इस तरह से चीज ज्यादा ना है मसाला मार के मसाला मार, यहाँ से बिल्कुल आराम से मसाला मारना है। देखा दोस्तों किस तरह से मसाला मार रहे हैं, बिल्कुल प्लेन हो रहा है, इसी तरह से आपको भी कमाना है दोस्तों, कहीं आप इस तरह से आप दोस्तों कहीं भी काम करते हैं इस तरह से काम कीजिए, आपका दोस्तों काम बहुत ही फास्ट तरीका से होगा। दोस्तों आपको सिखाने के लिए दोस्तों इस तरह से हम धीरे धीरे करके बताता हूँ दोस्तों, नहीं तो हम फास्ट में रोसा मार देंगे दोस्तों, 5 मिनट नहीं लगेगा, थोड़ी देर बाद रोसा मार के फिनिशिंग कर देंगे। दोस्तों बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, आप सबके लिए सिखाने का कोशिश करता हूँ, अगर आप सब नहीं सीखिएगा तो मेरा दोस्तों वीडियो बनाने में कोई मकसद ही नहीं रहेगा। दोस्तों आप सब दोस्तों वीडियो को साथ ही देखते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, इससे मैं भी मोटिवेट होता हूँ और भी अच्छा अच्छा तरीका आप सबको सिखाने का कोशिश करता हूँ वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों मेरा वीडियो आप सबको कैसा लगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम, फिर मिलेंगे दोस्तों।